माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्वेता विजुअल आर्ट क्लासेस। तो आज ये पार्ट थर्ड ईयर का एक चैप्टर है, ठीक है। एक पार्ट का नेम है डीपी राय चौधरी, देवी प्रसाद राय चौधरी। तो आज उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक। जो भी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते करते जाना, ठीक है, और लाइक करना, कॉमेंट करके बताना। डीपी राय चौधरी, जिसको इसको हमारा पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम क्या है, इनका देवी प्रसाद राय चौधरी, ठीक है। इसका मतलब होगा देवी प्रसाद राय चौधरी। अब आता है इनका जन्म, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। पूरा नाम ये हो गया। जन्म इनका होता है बांग्लादेश, बांग्लादेश के कौन से स्थान पे होता है, तो रंगपुर जिले। कब होता है, 1899, ठीक है। और इनका पूरा जो समय रहता है वो रहता है 1899 से, नहीं दिख रहा ना किसी को, 1899 से 1975। कौन है ये, मूर्तिकार। कौन रही है, मूर्तिकार, ठीक है ना। जन्म कहाँ पे होता है, बांग्लादेश, बांग्लादेश के रंगपुर जिले में होता है। कब होता है, 1899 में। और पूरा समय रहता है इनका 1899 से 1975 में। 1975 में इनकी मृत्यु होती है, 1899 में इनका जन्म होता है, ठीक है। वह क्लियर। अब आ जाती है इनकी कला शिक्षा। क्लासिक की शिक्षा इन्होंने कहाँ से ली थी, 1914 में। कहाँ से, अवनींद्रनाथ से, ये निर्देशक, ठीक। इसके बाद आ जाता है इन्होंने मूर्ति कला की शिक्षा कहाँ से ली, तो ये ली थी हिरण्मय राय चौधरी से, हिरण्मय राय चौधरी से, ठीक है। क्लियर हुआ। कला शिक्षा 1914 में अविनाश से ली थी इन्होंने। मूर्ति कला की अगर शिक्षा आ जाए तो हिरण्मय राय चौधरी से ली थी। पूरा नाम इनका रहेगा देवी प्रसाद राय चौधरी। जन्म कब हुआ इनका, 1899 में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1975 में हुई थी, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब आ जाता है इनको, ये प्राचार्य कहाँ के रहते, तो प्राचार्य में रहे थे ये, प्राचार्य मद्रास कला विद्या। कितने ईयर रहे थे, तो 5 ईयर रहे थे, 5 साल ये यहाँ के प्राचार्य रहे थे। और कब रहे थे, 1929 में, ठीक है। प्रिंसिपल रहे मद्रास कला विद्यालय के, 5 साल रहे, 1929 में रहे थे, ठीक है। इसके बाद आ जाता है इनको पुरस्कार। इनको पुरस्कार कौन सा मिलता है, पद्म भूषण का, ठीक है। अब ये कब मिलता है, ये मिलता है 1958, ठीक है। क्लियर हुआ। डीपी राय चौधरी, इनका पूरा नाम देवी प्रसाद राय चौधरी। समय रहेगा इनका 1899 से 1975। 1899 में इनका जन्म होता है। कहाँ पे होता है, बांग्लादेश के रंगपुर जिले में होता है। कला की शिक्षा इन्होंने कहाँ से ली, अविनाथ के निर्देशन में ली थी। मूर्ति कला की शिक्षा कहाँ से ली, तो हिरण्मय राय चौधरी से ली थी, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कला शिक्षा हो गई, मूर्ति कला की हो गई, प्राचार्य मद्रास कला विद्यालय के रहे। कितने, 5 साल रहे। कब, 1929 में। पुरस्कार जो है पद्म भूषण मिलता है 1958 में। नोट डाउन करते रहना सब। प्रथम अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष कहाँ के रहे थे, ये राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के। सबको दिख रहा होगा यहाँ तक, तो
राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे, ठीक है, कब रहे थे, 1954 में, ठीक है, प्रथम अध्यक्ष रहे 1954 में। अब आ जाता है इनके जो जो चित्रों का केंद्र बिंदु रहा है वो कौन सा रहा है, चित्रों का केंद्र बिंदु किसको बनाया उन्होंने, चित्र बनाए थे महिलाओं के लिए, महिला अगर रहेगा इनका, ये तो हो गए चित्रों के केंद्र बिंदु। अगर आ जाता है मूर्तियों के केंद्र बिंदु, मूर्तियों के केंद्र बिंदु कौन रहे, पुरुष, कौन रहा, पुरुष, ठीक है, क्लियर हुआ। चित्रों का अगर आ जाए तो चित्रों में इन्होंने महिलाएं अधिक बनाई है, पुरुष आ जाए तो पुरुष में इन्होंने वो सॉरी मूर्तिकला आ जाए तो मूर्तियों में इन्होंने पुरुष अधिक बनाए हैं, ठीक है, हो गया। अब इनके जो इम्पोर्टेंट मूर्ति शिल्प है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो मूर्ति शिल्प हम पढ़ते हैं, श्रम की विजय, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रंप ऑफ लेबर, ट्रंप ऑफ लेबर, कहीं कहीं ट्रंप बोलते हैं, कहीं ट्रंप बोलते हैं इसको, ठीक है, आप सुनते जाइए। इसका समय जो कितना रहा है, 1959 ईस्वी में ये बनी थी, ठीक है, किस में बनी है, कांशय में ये बनी गई है, ठीक है। अगर आ जाए कहाँ है, स्थान में, तो आ जाएगा मरीना बीच, चेन्नई पे है ये, मरीना बीच चेन्नई पर है। अगर आ जाए ये संग्रहित कहाँ पे है, तो संग्रहित का आएगा राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, ये इस टाइम सुरक्षित है, वहां जाके आप देख सकते हो। तो समय क्या रहा इसका, 1959 ईस्वी। माध्यम क्या रहा इसका, कांशय। स्थान कौन सा रहा, कहाँ पे बनी है, मरीना बीच चेन्नई। संग्रहित ये कहाँ पे इस टाइम, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, ठीक है। अब इसमें क्या क्या दिखाया गया है, इसके लिए हम आपको बताते हैं। चार पुरुष दिखाए गए हैं, ठीक है, एक बहुत बड़ा पत्थर है और उन चार पुरुषों ने नीचे की साइड में अपनी बॉडी के नीचे वाले पार्ट में अंगूठा टाइप में रखा है और सर के ऊपर व्हाइट कलर का पतला कपड़ा उन्होंने लगा रखा है। तो वो चार जो व्यक्ति हैं, एक बहुत बड़ा पत्थर है उसको ढकेलते हुए दिखाए गए हैं, मतलब परिश्रम करते हुए दिखाए गए हैं, ठीक है ना। तो ये वाली बात आप लिख लीजिए, चार पुरुषों को ढकेलते हुए बड़े आकार का पत्थर, बड़े आकार के पत्थर को लुढ़काते हुए दिखाया है, ठीक है, क्लियर हुआ। यहां तक नोट डाउन करूं फटाफट। अपना फर्स्ट पार्ट, ठीक है, फर्स्ट हो गया। सेकंड है अपना शहीद स्मारक, शहीद स्मारक, ठीक है। अब इसका जो है ये कहां पे बना हुआ है, ये है पटना बिहार, यहां डाल देते हैं, कहां पे, पटना बिहार में। समय क्या रहेगा, 1954 रहेगा, कहीं कहीं पे 56 भी दे रखा है, ठीक है, पटना बिहार 1954 56 भी आ सकता है, वैसे दोनों ही सही रहते हैं, अधिकतर कोई सा भी आ जाए, 56 आ जाएगा तो 56 कर देना आपको, ठीक है। अगर रहेगा कि किसमें बने हैं, देखो श्रम की विजय शासे है, शहीद स्मारक शासे, माध्यम उसमें भी कांश रहा है, सेम इसमें रहेगा, माध्यम क्या रहेगा इसमें, कांश रहेगा, ठीक है। शहीद स्मारक में क्या है, सात व्यक्तियों को दिखाया, इसमें क्या है,
कि 1942 में जब झंडा फहराने की बात हो रही थी तो झंडा फहराया जा रहा था भाई, झंडा फहराने के लिए लोग गए थे, ठीक है। और झंडा फहराने के लिए लोग जा रहे थे तो यहाँ पे एक नारायण थे व्यक्ति, ठीक है, नारायण व्यक्ति थे, तो उनको जून या जुलाई में हुआ था ये कांड, तो जून जुलाई में ये झंडा फहराने के लिए जा रहे थे तो इनको क्या कर दिया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। अब फिर वापस से लोग बोलते हैं कि नहीं झंडा तो हम फहराएंगे, तो ये सचिवालय भवन पर जाते हैं, ठीक है, किस पर, सचिवालय भवन पर जाते हैं, सात व्यक्ति आगे की तरफ बढ़ते हैं कि आज हम झंडा फहराएंगे, ठीक है। तो सात व्यक्ति जिनमें बढ़ते हैं तो अंग्रेजों की तरफ से कुछ गोलियां वगैरह चलाई जाती हैं जिससे ये घायल होते हैं, तो जिनमें से क्या होता है, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति तो घायल हो जाते हैं, ठीक है, दो व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति जो घायल व्यक्ति है उसकी मदद कर रहा है, तीन और दो पांच व्यक्ति, और दो व्यक्ति है वो सीना तान के आगे खड़े हुए दिखाए गए कि हम तो झंडा फहराएंगे, तो वो सीना तानते हो, तो इस टाइप का ये दृश्य इसमें दिखाई देता है, सात व्यक्ति हैं इसमें, ठीक है, सात व्यक्तियों को दिखाया गया है झंडा फहराने के लिए आगे बढ़ते हुए दिखाया गया। ये इसका रहेगा, श्रम की विजय का याद है, शहीद स्मारक करा दिया आपको, नेक्स्ट नोट करो, इम्पोर्टेंट कराते हैं। थर्ड आ जाता है अपना स्वतंत्रता स्मारक, सारे सात से करा दिए मैंने, ठीक है। फोर्थ आ जाता है अपना सड़क बनाने वाले, जिसको हम बोलते हैं रोड मेकर्स, ये सारी मूर्तियां हैं, ये याद रखना, ठीक है। सासे था पहले श्रम की विजय, दूसरा भी सासे था शहीद स्मारक, तीसरा है सासे स्वतंत्रता स्मारक, और चौथा भी सासे है सड़क बनाने वाले, जिनको हम बोलते हैं रोड मेकर्स, ठीक है, समझ में आया। और एक और कर लो डांडी मार्च, ठीक है, ये अपनी हो गई मूर्तियां के लिए। अब करते हैं हम चित्र, अब चित्र इसमें कौन से इम्पोर्टेंट है, लेपचा कुमारी कौन सा हो गया, फर्स्ट हो गया लेपचा कुमारी, जो इम्पोर्टेंट है बस वही करा रही हूँ, ठीक है। तिब्बत की बालिका, थर्ड है अविशारिका, फोर्थ है महल की गुड़िया, फिफ्थ है अपना दुर्गा शोभा यात्रा, यहाँ तक दिखाई दिया होगा सबको, दुर्गा शोभा यात्रा बोल रही हूँ, समझ जाना उसे, फर्स्ट लेपचा कुमारी, तिब्बत की बालिका, अविशारिका, महल की गुड़िया, दुर्गा शोभा यात्रा, ठीक है। और एक और डाल दो भूतिया महल, भूतिया कहीं कहीं भूतिया महल आता है, भूतिया, ठीक है, क्लियर हुआ। चित्र रहेंगे लेपचा कुमारी, तिब्बत की बालिका, विशारिका, महल की गुड़िया, दुर्गा शोभा यात्रा, ठीक है, इसमें ये इम्पोर्टेंट रहेंगे। सुनिए वापस से पूरा, डीपी राय चौधरी कराया, इनका रहा समय 1899 से 1975 रहेगा, अगर इनका जन्म होता है, इनका पूरा नाम होता है देव प्रसाद राय चौधरी, जन्म होता है 1899, कहाँ पे होता है, बांग्लादेश के रंगपुर में होता है। उसके बाद आ जाता है कि इन्होंने कला की शिक्षा कहाँ से ली, अमरनाथ के निर्देशन में ली थी। मूर्ति कला की शिक्षा कहाँ से ली, हणम्ब राय चौधरी से ली थी। पुरस्कार कौन सा प्राप्त हुआ, पद्म भूषण हुआ। अध्यक्ष कहाँ के चुने गए, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के अध्यक्ष चुने गए थे। इनका जो